अजानुलम्बितभुजौ कनकार्दातौ शङ्कीर्तनैकपितरौ कमलार्दाक्षौ भीष्मम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरणितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो निधवन्दसकुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परम हंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरो व्यवस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ताई गौर हरि कारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से लाभ पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सुदर्शन प्राप्त हुआ है। आज परम महिमामय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि है। हम लोग इस विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 70 श्रुत्वा विचक्षण मुखाद् ब्रजराज सोनो सस्ताभिसार समयं सुभगे त्रहिष्टा सूक्ष्मांबरै कुसुम संस्कृत कर्णपूर हारादिभिश्च भवतीं किमलंकरिष्ये कल हम लोग श्रवण किए थे
ब्रज रानी राधा रानी अपने संकेत कुंज में प्यारे श्याम सुंदर के आदेश अनुसार वो वासक सज्जा नायिका जैसे श्री कृष्ण प्रिया जी का इंतजार कर रहे हैं। आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हे सुभगे, हे सौभाग्यवती किशोरी जी, विचक्षण मुखात। जब भगवान श्री कृष्ण को प्रिया जी के पास कोई संदेश देना होता है तो उनके निकुंज में दो पक्षी हैं, सुख सारिका, तो श्याम सुंदर उन्हीं के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं। तो विचक्षण जो है सुख का नाम है। तो विचक्षण मुखात, विचक्षण के मुख से ब्रजराज सुनो, ब्रजराज नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, जब श्रवण किए तो सस्ता विसार अयमयम। प्रिया जी केवल श्री कृष्ण के आदेश को सुन करके तत्सम तुरंत अभिसार के लिए तैयार हो गए। सुप्तवा अत्र अनुभूत स्थले हृष्टा, और परम प्रसन्न हो गए हृष्टा सती। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं आपकी त्वरा का अनुभव करूंगा उस समय किम भवती सुक्षांबरे कुसुम संस्कृत कर्ण पूर हारा दिवि, मैं आपका सूक्ष्म वस्त्रों के द्वारा या पुष्प के हार द्वारा मैं कब आपको अलंग करिष्ये भूषिता करिष्ये, मैं आपको कब भूषित करूँगी, अर्थात अभिसार युक्त आपकी भेष रचना करूँगी। इस श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं प्रिया जी का एक नाम देते हैं सुभगे, अर्थात इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली कौन है, जिसका याद स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। प्रिया जी का स्मरण साक्षात श्री हरि कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुख पक्षी से आदेश देते हैं कि जाओ प्रिया जी को कह देना कि मैं कुंज में बैठ करके आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो इतना सुनकर ही, इतना सुनते ही प्रिया जी त्वरा उत्पन्न की तत्काल, और जाने के लिए तैयार हो गए तो मंजरी तदनुकूल उस समय जो सेवा का अवसर है वो सेवा करने लगे। सूक्ष्म वस्त्र, पुष्प निर्मित कर्ण भूषण, हार इत्यादि निर्माण करने लगे। सुभगे जब विचक्षण नामक पक्षी से सुनते हैं तो आचार्य चरण कहते हैं कि हे सखी, हे किशोरी जी, तुम इस संसार में बहुत से रमणियां हैं, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, सरस्वती है, सावित्री है, अरुंधति है, लेकिन किसी की याद तो श्याम सुंदर नहीं करते हैं। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारा याद श्याम सुंदर करते हैं, और श्याम सुंदर आपका नाम ले लेकर के रोने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य चरण प्रिया जी का नाम सुभगे कहे। तीनों लोक की अधिष्ठात्री देवी को भी सुभगा नहीं कहा गया है। भगवान लक्ष्मी को कभी याद नहीं करते, लक्ष्मी उनकी याद करते। विद्यापति जी कहते हैं कि सुन सुन ए सखी कह या न हो, तुम्हारे नाम को लेकर के प्यारे श्याम सुंदर की जो स्थिति हो जाती है उसको हम कह नहीं पाते। कहां तक कहें, राह राह कह तन मन खोय, राधा ऐसे कहते ही भगवान अपने मन और तन के शुद्ध को खो देते हैं, गिर जाते हैं। तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो
तुम्हारा नाम लेकर के प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति बिगड़ जाती है, वो चल नहीं पाते हैं, उनका मन काम करना छोड़ देता है। कहत ही नाम प्रेम हो भोर राधा, ऐसे नाम कहते ही वो विभोर हो जाते हैं। अब फूलक कंप तन उठा रही लोर, श्याम सुंदर को अष्ट सात्विक विकार हो जाता है, उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगते हैं। गदगद भाति कहे नहीं कान, शब्द भी नहीं उच्चारण कर पाते हैं, रा रा कहते ही आंख से आंसू गिरने लगता है, शरीर रोमांच होता है। उनकी स्थिति राह दरस बिनु निकस परान, और डबडबा कर अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगते हैं, किसी तरह मुझे एक बार प्रिया जी का दर्शन करा दो, नहीं तो मेरा शरीर छूट जाएगा। राह दरस बिनु निकस परान, जब नहीं हेरव तकर से मुख तब निय भार कर सो। यहाँ तक प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, हे सखियों, हे ललिता दीक सखियों, हे मंजरियों, यदि तुम हमारा प्राण की रक्षा करना चाहती हो तो किसी भी तरह प्रिया जी को ला, जब नहीं हेरव तकर सम्मुख, जब तक मैं किशोरी जी का रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तब जी भार करब कौन सो, तब इस पृथ्वी पर इस शरीर को लेकर मैं करूंगा क्या, तो वो बिन आन इथे नहीं को। सखियां कहती हैं कि हे सौभाग्यशालिनी प्रिया जी, इस भूमंडल पर तुम्हारे जैसा सौभाग्यशालिनी कोई नहीं, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सब तो तेरे आदि, तुम बिन आन इथे नहीं कोई, बिसर चाहे बिसर नहीं हो, तुम्हारे याद करके इतना उनको कष्ट होता है, कुछ सोचते हैं कि मैं भूल जाऊं राधा को, राधा शब्द को ही भूल जाऊं, लेकिन क्या करे, वो चाहते हैं भूलना लेकिन भूल नहीं पाते। भने विद्यापति ना ही विषाद, पूरब तोहर सब मन ही साध। विद्यापति जी कहते हैं, श्याम सुंदर, सखी कहती है, हे श्याम सुंदर तुम चिंता मत करे, तुम्हारी साध पूरा हो। इस संसार में व्यक्ति जिसका याद करता है जरूर आ जाता है, जिसका चिंतन करता है, और तुम इतने गाढ़ चिंतन करते हो, जरूर प्रिया जी आ जाएंगे तुम्हारे पास। इसीलिए यहाँ पर सौभाग्यशाली कहते हैं, इस भूमंडल पर सबसे बड़ा कोई यदि सौभाग्यशाली है तो राधा रानी। राधा रानी के दासियों को सबसे बड़ा गर्व होता है कि मैं प्रिया जी की दासी हूँ, ये भी तो गर्व की बात है। राधा रानी के लिए श्याम सुंदर इतने आरती पूर्ण वचन कहते हैं, इतने रोते हैं, इस बात को सुन करके सखियां मंजरियां भी गर्वान्वित हो जाती हैं कि प्रिया जी का हम लोग दासी हैं। हमारे पास प्रिया जी के पास आने के पहले श्याम सुंदर को मेरे पास आ रहे। सखी यहाँ तक कहते हैं, वृषभानुनंदनी जपय रात्रि दिन, प्यारे श्याम सुंदर भी आंख मूंद करके रात दिन राधा नाम का संकीर्तन करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं। वृषभानुनंदनी जपय रात दिन, अब भर में न बोले जा। देखिए सौभाग्यशालिनी के लिए यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं कि हे सुभगे, तुम कितनी बड़भागिनी हो, साक्षात रमा रमण भगवान श्रीहरि रात में एकांत में बैठ करके तुम्हारे नाम का जप करते हैं, अब भरम से भी किसी अन्य लोगों का नाम सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक लाख लाख धनी बोले मधुर वाणी, स्वप्ने न पाते का, इस भूमंडल पर एक नहीं हजारों रमणियां हैं, अरे अरुंधति है, सत्यभामा जी हैं, 16108 पटरानियां हैं, ये सब करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करके श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त की। ये गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये सब सखियां कितनी तपस्या करके गोपाल मंत्र का अनुष्ठान की, राधा नाम का अनुष्ठान की, कि हमको श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गए। तो ये सब आराधना करके श्री कृष्ण को
के पास जाना चाहते, लेकिन भगवान स्वप्न में भी नहीं देखते। भागवत में लिखा गया है जस्येन्द्रिय विमत तुम कुहकर्म से, 16,000 पटरानी अपने हाव भाव क्रिया कटाक्ष के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर को आकृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वप्न में भी उनका मन उधर मिल जाए। वही यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं, लाख लाख धनी बोले मधुर वाणी स्वप्ने न पाते। सभी लोग चाहते हैं उनकी स्थिति क्या है, रात कहीं धार कहो कहीं न पा रही है धारा धरी कहे लो। वो केवल एक ही चीज जपते हैं, रा कहते हैं, उनकी आंख से इतना जोर से आंसू, गला अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोमांच हो जाता है कि धा भी नहीं कह पाते। ऐसी स्थिति है, सोई पुरुष मणि लोटाए धरणी पुनी को कह आरती तो। वही नंद नंदन से कृष्ण, सोई पुरुष मणि कौन है तो कृष्ण, कृष्ण साधारण नहीं है। शिव ब्रह्मा भी जिनको ध्यान करना चाहते हैं ध्यान में भी नहीं आते हैं, वही भगवान श्री हरि राधा रानी के गुणों को गा गा करके रोते हैं, सोई पुरुष मणि लोटाए धनन धरन पुना। वही इस धरणी पर लोट पोट होकर के राधा राधा कहते हैं, को कह आरती तो, कौन भला बता सकता है। यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं कि पहले तो समझना पड़ेगा कि ये श्री कृष्ण कौन है। कहते हैं वसु वही सह, श्री कृष्ण है इस समग्र संसार में जो रस है, रस का सार ही श्री कृष्ण है। रसो वही, रस ही श्री कृष्ण है सर। जिस रस को प्राप्त करके बड़े बड़े जोगी लोग आनंद को प्राप्त होते हैं, स हेवायम आनंदम भवति, स हेवायम लब्ध्वा आनंदम भवति। जिस रस स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करके जोगी जति लोग आनंद को प्राप्त होते हैं, को ही एवान्यत, उन श्री कृष्ण को छोड़ करके जगत में कोई नहीं है। अरे भाई, जल में, अन्न में, किसी से बात करने में, संसार में जो भी आनंद है वो श्री कृष्ण का ही आनंद। समस्त प्राणियों के अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं। हमारे इंद्रियों से जो सुख मिलता है, हमको खाने से, बोलने से, चलने से, बात करने से, देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण है। जल एष आकाशो आनंद स्यात्, वही श्री कृष्ण ही है। एष ही आनंद यति, वही भगवान संपूर्ण जगत को आनंद देते हैं। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति, उन श्री कृष्ण में ही सारा जगत आनंद को प्राप्त करता है, फिर आनंद में विलीन हो जाता है। जैसे श्रुति भगवती कहती है, वह श्री कृष्ण जो सारे जगत को आनंद देते हैं, ब्रह्मा शिव नारद अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, इन समस्त जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। वह श्री कृष्ण जो परमात्मा है, यहाँ तक कि खाने में, विसर्जन में जो आनंद आता है वो श्री कृष्ण का ही है, वही श्री कृष्ण ही है। और वह श्री कृष्ण केवल तुम्हारा नाम ले लेकर के रोते हैं, उसी विभु आनंद की एक बिंदु की आभास कणिका को प्राप्त करके सारा जगत मालोमाल हो जाता है। उस आनंद केंद्र श्री कृष्ण की एक कण भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो अपने आप को सबसे बड़ा सुखी मानता है। और वही उन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी उन्मादता, वह श्री कृष्ण की ऐसी उन्माद अवस्था, रो रहे हैं उसकी कणिका का अवलंबन लेकर के, इतनी आकांक्षा है राधा रानी के लिए पूर्व राग का, उन भगवान श्री कृष्ण की इतनी उन्मादता कहीं देखा नहीं गया। श्री कृष्ण राधा रानी के लिए जितना रोते हैं उतना किसी के लिए नहीं रोते। श्रीमती के लिए विरह कातर होकर श्याम की अवस्था का वर्णन भला कोई और कौन कर सकता है। विद्यापति जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के लिए, कृष्ण के, राधा रानी के लिए श्याम सुंदर कैसे रोते हैं। इस स्थिति को देख करके सखी मंजरियां कहती हैं, धनी धनी रमनी जन्म धनी तो, विद्यापति जी के पद है, धनी धनी रमनी जन्म धनी तो, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, तुम्हारा जन्म लेना ही इस जगत में सार्थक।
सभजन कान कान कह झूरे से तू भाव विभूर। सारा जगत कृष्ण कृष्ण कहता है, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल, सारे जगत में भगवान नाम का संकीर्तन होता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं आ, ओ श्री कृष्ण सो तू भाव विभोर, ओ श्री कृष्ण तुम्हारे लिए छिटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम लोग ऐसा कभी सुने नहीं, चातक चंद्रमा के लिए चिल्लाता है, रोता है। चातक चाहे पियासल अम्ल, चातक चाहता है कि स्वाति का जल मिल जाए, लेकिन यहाँ स्वाति का जल ही चातक के लिए तड़प रहा है। चकोर चाहे रहुचंद, चकोर को चंद्रमा से प्यार है, चंद्रमा को चकोर से कोई प्यार नहीं, लेकिन यहाँ चंदा ही चकोर का इंतजार कर रहा है। ये विद्यापति जी का पद। चातक चाहि पियासल अंगुद, चकोर चाहि रहु चंदा। स्वाति का जल चातक का इंतजार कर रहा है और चंद्रमा चकोर की याद कर रहा है। केश पसार जखन तोहे देख। एक बार प्यारे श्याम सुंदर जा रहे थे और प्रिया जी उस समय जा रहे, प्रिया जी के केश पास केवल केश पास का लट देखे प्यारे श्याम सुंदर। आप उसी को देखने मात्र से लगा कि श्री कृष्ण की बुद्धि उस लट ने ही बांध दिया है। अब जैसे गजराज है उसको अंकुश वश में कर लेता है, वैसे प्रिया जी का एक केश का लट ही मत गजेंद्र के समान श्री श्याम सुंदर को बांध दिया। ऐसी केश पसारी जबहु तोहे देख, तर लतिका और लंबन काली मोह मन लागल धंधा। सारा संसार देखता है कि पेड़ पर लता चढ़ती है, लता का पेड़ का अवलंबन लेकर के लता चढ़ता है, लेकिन यहाँ आश्चर्य दिख रहा है कि पेड़ ही लता का अवलंबन ले रहा है, पेड़ जा रहा है। अरे ऊपर अंबर आता, प्रिया जी का एक बार दर्शन करने मात्र से प्यारे श्याम सुंदर की ये स्थिति हो जाती है। सो सब सुमति कान भेल आकुल, कह धने इथे की समाधा। प्रिया जी के लट पास देख करके प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति ऐसी, क्या अब होगा, कह धनी थे इसका क्या समाधान है, हम लोगों को समझ नहीं आता है। हसित कब तुह दर्शन देखेगा, वो बार बार यही चाहते हैं कि एक बार प्रिया जी का मुखमंडल हम देख लें। करे कह जो रही मोर, हम यदि रास्ता में मिल जाती हैं ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता कोई सखी मिल जाती है तो हम लोगों के चरण पर गिर करके प्यारे श्याम सुंदर प्रार्थना करते हैं कि एक बार प्रिया जी का दर्शन करा दो। अलखित दिठि कब हृदय परासिल पसारिल पुन हेरी सखी कैनी घोर। ऐसी स्थिति आ जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो निदेश कहल तो है सुंदरी, जान तो है कर निदान, हृदय पुतरित हो सो सुन कलेवर कवि विद्यापति गान। श्याम का ऐसा प्रेम, ऐसी इनकी आकांक्षा, श्रीमती राधा रानी का विलास वैचित्री प्रेम माधुरी जो प्यारे श्याम सुंदर के चित्त को खींच लेता है, और एक सेकेंड के लिए नहीं तो हमेशा के लिए भगवान बुलाओ। कोई मंत्र जप करके कुछ क्षण के लिए भगवान को बस में रखता है, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण निरंतरम वशीकृते प्रतीत नंद नंदन, चौबीसों घंटा नित्य निरंतर श्याम सुंदर प्रिया जी के अधीन रहते हैं, ऐसी इनकी अवस्था हो जाती है। यह अवस्था राधा की कलियों के लिए बड़ा अस्वाद है। हम श्री कृष्ण किस श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो रूप गोस्वामी पाद चाटु पुष्पांजलि में कहते हैं, मैं उन श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ जो मंजरियों के पीछे पीछे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि मुझे प्रिया जी का दर्शन करा। इस श्री कृष्ण की हम आराधना करते हैं। विचक्षण सुख, विचक्षण नामक सुख पक्षी जब तुलसी मंजरी के कान में कहा कि प्रिया जी का प्यारे श्याम सुंदर इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, यह सब सुनती, यह जब सुनी प्रिया जी
तो सुक मुख सुनई तो ऐसन रीति सुक पक्षी के मुख से जब प्रिया जी सुनी कि प्यारे श्याम सुंदर मुझको बुला रहे हैं सब अंग पुलकित चमकित चित उनका प्रत्येक अंग पुलकित हो गया प्रिया जी का नाम ले श्याम सुंदर के नाम सुनकर के प्रिया जी की ऐसी स्थिति हो गई सब अंग पुलकित चमकित चित कहित गदगद कंठ ही बोल चाहती है कुछ बोलना लेकिन प्रिया जी बोल नहीं पाती रायमुख निरखित अंतर दो महाजन लोग कहते हैं कि जब तुलसी मंजरी राधा रानी की यह स्थिति देखी तो तत्काल वह जाने के लिए प्रिया जी चलने के लिए तैयार हो गई तुलसी मंजरी इसी बात को यहाँ पर बोलती है कि जब श्रुत्वा विचक्षण मुखात ब्रजराज सुनो विचक्षण के मुख से ब्रजराज कृष्ण की आज्ञा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण अभिशाद आपका इंतजार कर रहे हैं तो सस्ता विशाल समयम सुभवी परिष्ठा तत्काल वह तैयार हो गई प्रिया जी जाने के लिए यही पर यहाँ पर बात कह रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में जब श्री कृष्ण बंसी नाद करते हैं तो बंसी नाद को सुन करके ही गोपियाँ जो कुछ काम कर रही थी सब कुछ छोड़ करके चली यत्रस्त वस्त्रा भरणा काश्चित कृष्णानंदिकम ये हो परिवेश यंतस तद हित्वा पाय यंतस शिशुन पय कोई स्त्री अपने पति को खिला रही थी भोजन को वहीं छोड़ दी कोई खा रही थी उसको छोड़ दी कोई बच्चे को दूध पिला रही थी उसको छोड़ दी अब श्री कृष्ण की बंसी नाद को सुन करके सब गोपियां जैसी थी वैसे ही चल सुखदेव जी कहते हैं कि लिम्पन्त्य प्रम्ब जंतन्या कोई गोपी स्नान करके अपना श्रृंगार कर रहे थे अंगराग लगा रहे थे कोई गोपी कोई अंग मार्जन कर रहे थे कोई अपने नेत्र में काजल लगा रहे थे कोई अपना वस्त्र आभूषण पहन रहे थे और उसी समय श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुनी तो बंसी की आवाज सुनते ही उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर अब आंख में जो काजल लगाना है वो तो सिर में लगा दी और सिर का जो सिंदूर है वो आंख में लगा दी उल्टा अनुलेपन वस्त्र भूषण का अनुलेपन अंग उल्टा करके गोपियां चल देती बंसी की आवाज सुनकर के प्रिया जी कैसे सज रही हैं राय साज बंसी बाजे ना पड़ी रहो बंसी की आवाज सुनकर के प्रिया जी अपने आप को रोक नहीं सकते की करते की ना करे सब है लोग आचार्य चरण कहते हैं कि बंसी की आवाज सुनकर के प्रिया जी सुन अब क्या करूं क्या नहीं करूं उनको समझ में नहीं आता मुख का पोछने वाला जो कपड़ा था उसको तो चूड़ा में बांध गए चोटी में बांध अब पाए बांधे फूले माला ना करे विचार फूल का माला चोटी में बांधना चाहिए तो पांव में बांध प्रेम का ऐसा भी उन्मादनी की अवस्था आता है श्री गौरांग महाप्रभु को 12 वर्ष तक लगातार ये भाव रहा पाए बांधे फूले माला ना करे विचार स्त्रियां अपने चोटी में बेला चमेली का फूल बांधती हैं प्रिया जी उसी तरह प्रिया जी अब समझ में नहीं आए कि इस फूल माला को कहाँ बांधना है यहाँ कृष्ण की बंसी बजी हुए अपने आप को भूल गई क्या करना क्या नहीं करना कहाँ किस अंग में कौन सा आभूषण लगाना है बिल्कुल भूल गई छोटी की फूल माला अपने पैर में बांधूर अब जो पैर का नूपुर है अपने हाथ में पहन और नयन में अलता अलता कहाँ लगाते हैं पैर में उस अलता को अपने आंख में लगा दी जहाँ काजल लगाना है वहां अलता लगा ऊपर बड़े बंक राज बता श्रवण करे राय विशेर सजना नासार ऊपर करे बेड़ी गलासे नाक का कान का जितने भी आभूषण है प्रिया जी व्यत्रस्त वस्त्र भरणा काशित कृष्णां दिकम ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि लहंगा के जगह ओढ़नी पहन ली ओढ़नी के जगह लहंगा पहन ली उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके बंसी बदने कह जाओ बलिहारी बंसी बदन आचार्य कह रहे हैं कि मैं उस त्वरा को उस प्यार को उस उन्माद अवस्था पर बलिहारे जाता हूँ
श्याम अनुराग बलाई लयजनवर, श्याम के अनुराग में ऐसी गोपियों की स्थिति हो गई है। उज्ज्वल नीलमणि में ये वर्णन किया गया है बल्लभ प्रांत बेलायाम, जब प्रिया ब्रज रमणियों को ऐसी स्थिति आ जाती है मदना वेश संभ्रमा, श्री कृष्ण के मिलने में जो उनकी स्थिति आती है उसको कहते हैं विभ्रमो। हार माला भूषा स्थान विपर्य, हार माला भूषण इत्यादि विपर्य स्थान को प्राप्त करता है। एक कृष्ण प्रेम की ऐसी उन्माद अवस्था आ जाता है प्रेम में। तुलसी मंजरी कहती है कि उस समय मैं आपकी सेवा करूंगी। देखिए जब प्रिया जी की ऐसी स्थिति होती है तो सखी मंजरिया अपने हाथ से प्रिया जी के अंग के आभूषण को पहनाएंगी, स्वामी जी अभिसार करेंगी तो सूक्ष्म वस्त्र पहनाएंगी, सूक्ष्म वस्त्र के साथ उनके अंग आभूषणों को डालेंगी। राधा रस सुधा निधि में आचार्य चरण कहते हैं चमत्कृतांगी। प्रिया जी के श्याम सुंदर के बंसी को सुन करके किशोरी जी की स्थिति क्या हो गया है, क्वचो बेड़ु ध्वनि निशम्य। प्रिया जी कुछ सेवा में थी, उसी समय बंसी ध्वनि की आवाज आई तो चंपक लतेव चमत्कृतांग, चंपक वर्णा किशोरी जी उनकी अंग बिल्कुल चमत्कृत हो गया, कंपायमान हो गया, बिह्वलांगी अंग बिह्वल हो गया। विश्वभानुपुत्री अनुगीय माने, विश्वानुपुत्री प्रिया जी श्री कृष्ण के अनुगमन करने के लिए श्याम सुंदर गुणई प्रीता, श्याम सुंदर के एक एक गुणों का वर्णन करके वो विह्वल हो गए। माँ दृष्टवा ऐसा परिस्वजन, उस समय यदि कोई नहीं मिला तो तुलसी मंजरी कहती है कि हमको ही जोर से पकड़ ली, हमको किसी तरह ले चलो प्यारे श्याम सुंदर के पास। यही आचार्य चरण राधा रस सुधा निधि में कहते हैं दृष्टि वचम पकलते वचमत कृतांगी बेणु ध्वनि क्वच निशम्य च बिह्वलांगी। चमत्कृतांगी हो गई है और बिह्वलांगी हो गई, शरीर बिल्कुल कंपमाय कंपित हो गया और बिह्वल हो गया। उस हम राधा रानी की आराधना करते हैं, श्या श्याम सुंदर गुणई रनुगीय मानई प्रीत्या परिस्वज तुमां वृषभानुपुत्री। उस समय लाडली जी प्यारे श्याम सुंदर के लिए उन्माद अवस्था को प्राप्त होकर जब अभिसार कर रही हैं तो उस समय हमको